क्रिकेट खेलते हो तुम? आई मीन दुनिया के बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कौन है? नॉट सईद अकबर आमिर सोहेल, नॉट हेडन गिलक्रिस्ट, तेंदुलकर सहवाग। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच जिन्होंने भी रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज ऑर्गेनाइज की। इन लोगों को जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, क्योंकि यार ये लोग सचिन पाजी और वीरू पाजी को एक साथ ले आए। एज ए 90s किड हम लोग के लिए क्रिकेट का मतलब ही सचिन सहवाग की ओपनिंग होता था। कितनी क्लासेस बंक मारी यार इन लोगों को देखने के लिए, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि सचिन सहवाग आउट हो गए, चलो यार अब पढ़ाई कर लेते हैं। इतने प्यार से तो हमने हमारे स्कूल क्रश को नहीं देखा जितने प्यार से ये ओपनिंग पार्टनरशिप देखते थे। वीरू पाजी का पहली बार पर बाउंड्री लगाना हो या सचिन पाजी की वो कवर ड्राइव, ओहो पूरे दिन देख सकते हो यार तुम। एक तो अलग लेवल नॉस्टैल्जिया हो रहा था, ऊपर से ये मैच में वो सारी चीजें हुई जो कि हमको सचिन सहवाग की याद दिला देती है। सचिन पाजी का वो पहली बॉल पर कवर ड्राइव, वीरू पाजी का सिक्स मार के 50 करना, वीरू पाजी का पहली बॉल पर बाउंड्री मारना। अगर तुम्हें वर्ल्ड कप याद होगा तो मैक्सिमम मैच में इंडिया की शुरुआत ऐसी होती थी वीरू पाजी की बाउंड्री से। काफी ऐसी मजाक भी हुआ मैच में जब वीरू पाजी ने 50 मारी और ऐसे कर रहे थे कि आज भी जान बची, आज भी अगर हम क्रिकेट में आ जाए तो अच्छे अच्छे बॉलर्स की धोती खोल दें। सचिन पाजी ने बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि स्टेडियम की बेस्ट सीट है मेरे पास जब तक वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ खेल रहा है, और कल भी मैच में यही हुआ। मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड से वीरू पाजी की बैटिंग देखना प्राइसलेस। मेरे को कभी कभी लगता है बॉलर्स खुद ही खुश हो जाते होंगे खुद की बॉल पर सचिन पाजी से कवर ड्राइव खाकर, ओहो क्या मारी है पाजी, एक बार और पाजी एक बार और। काफी होलसम बातें हो गई यार, मतलब इतनी सीरियस बातें अपने पे सूट नहीं करती, तो अब खिंचाई चालू करते हैं। वैसे यार ये इतना नॉस्टैल्जिया मेरे अकेले को हुआ था वीरू पाजी और सचिन पाजी को देख के, या तुम लोग को भी हुआ था कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए खिंचाई शुरू करते हैं। इस मैच की सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि टीम का नाम था इंडियन लेजेंड्स और इसमें विनय कुमार भी शामिल थे। गजब बेइज्जती है। और मजे की बात यह कि दो विकेट ले भी गए, ये वही आरसीबी वाले विनय कुमार है ना। मुनाफ पटेल अपने ऐसे इकलौते बॉलर थे जिनका इकोनॉमी 10 के ऊपर था। देखो ये पगला बिल्कुल ना बदला। बांग्लादेश लेजेंड्स ने काफी अच्छी ओपनिंग करी थी, पर बाद में यूवी पाजी, प्रज्ञान ओझा, यूसुफ पठान ने इनका नागिन डांस निकाल दिया। मतलब 59/0 से 109 पे ऑल आउट। फिर क्या था, इतना स्कोर तो हमारे ओपनर आधी नींद में बना देते, ये तो फिर भी उन्होंने आधे ओवर्स में बनाए। वीरू पाजी का तो कुछ ऐसा हो गया, अभी तक हड्डियां ही खुली थी यार, इतने में तो टारगेट ही पूरा हो गया। और सचिन पाजी खड़े खड़े देख रहे थे, मैच खत्म होने के बाद स्टेटमेंट दिए कि ये भाई साहब तो स्ट्राइक ही नहीं देते दो दो ओवर तक। अब लास्ट टाइम तो वीरू पाजी ने ग्राउंड में ही गाना गाना चालू कर दिया था, इस बार वो रह गया तो इंस्टा स्टोरी में डाल दिया। जाता हूँ किसी की धुन में। भाई गेम का मजा तो एक ही इंसान लेता है, हमारे बाबा जी। वैसे अभी तक इंडिया के 3 मैचेस हो चुके जिसमें से 2 में से मैन ऑफ द मैच वीरू पाजी थे, और ऑब्वियसली इंडिया 3 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर है। अब जो नेक्स्ट मैच है इंडिया का वो है 9 मार्च को इंग्लैंड के साथ। उम्मीद करते हैं कि भाई जैसा टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाल हो रहे हैं यहाँ पे भी वही हो। और यार वीरू पाजी और सचिन पाजी ने साथ में इतनी सारी मेमोरीज बनाई है ना कि ये सालों साल बात करेंगे तब भी इनकी बातें खत्म नहीं होगी। अब यार मैंने इन दोनों को देख के नॉस्टैल्जिया हो गया और बन कर रहा है कि इनकी बातें सुने। वीरेंद्र आपके जमाने में स्लेजिंग होती थी? आपको लगता है मैं स्लेजिंग कर सकता हूँ? नहीं मगर कब? नहीं नहीं वीरू पाजी आपको स्लेजिंग नहीं, कभी नहीं। तो कुछ हुआ होगा। I remember once somebody was saying something, you were batting with Sachin। हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, शोएब अख्तर बोल डाल रहा था, तो मुझे देख के इतना बोर हो चुका था कि मैं करीब करीब 200 पे खेल रहा था। ये था पाजी की हमेशा की आदत है, पाजी धीरे से अपनी तारीफ तो कर ही देते। कमेंट्री में भी तुम देखना, मैं था तो ऐसे चौके मारता था, ऐसे छक्के मारता था, मतलब पाजी के बीच में खुद की तारीफ तो आई जाती खुद से। और वो थक चुका था मुझे देख देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वाले दूं और आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की। शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर एक ही अख्तर है, एक ही अख्तर है एक ही अख्तर है भाई, ये मजे लेने का मौका नहीं छोड़ते वीरू पाजी का भी, ट्विटर पर भी यही आदत है। तो उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। तो सचिन पाजी का फेस देखो यहाँ पे, जैसे ही बोला कि वो तेरा बाप खड़ा सचिन पाजी बोलकर था। ओ भाई पाजी का तो बिल्कुल गदगद हो गए पाजी की, यार क्या बात कर रहे हो यार, इतना भी अच्छा नहीं हो अम्मे यार। नेक्स्ट ओवर में जब उसने टेंडुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा, मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। भाई सचिन पाजी की तुम यहाँ पे हालत सोचो कैसी होगी यार, ऐसे मत करो यार, यहाँ पे बुला के तुम लोग ऐसी तारीफ करो, मतलब यार शाय फील करते हैं यार हम। शोएब मलिक सोच रहा है कि अच्छा हुआ है शोएब अख्तर की बात हो रही, शोएब मलिक की नहीं हो रही।
ये पता नहीं ये स्लेजिंग है क्या है, बट ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। नहीं नहीं, तू तो शराफत की पुतला है, तू तो दिखाना पड़ता है टीवी में। तेरे तो अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे तेरे। शाहरुख भाई एकदम सही समझे, शाहरुख भाई। अच्छा वो वहां पे शोएब अख्तर नहीं था, बंदा बोलता है इनमें काफी मैंने फेंटे लगाई है, काफी इन्होंने मुझे रगड़ा लगाया है। एक तो पता नहीं कौन से डिशेस का नाम लेता रहता है भाई, रगड़ा रबड़ी क्या ये मतलब। वैसे यार ये मैचेस का मजा और डबल हो जाता है जब हम लोग माई इलेवन सर्कल के साथ खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपनी टीम एडिट करना भूल गया था जिसमें दो तीन प्लेयर्स तो खेले ही नहीं, पर मेरे कैप्टन थे वीरू पाजी जिन्होंने बचा लिया। यहाँ पे तुमको ज्वाइन करती 1500 रुपए का बोनस मिल जाता है, साथ में फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% कैशबैक भी मिल जाता है। तो यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो और गेम के मजे लो। एक तो यार अगर मैं 3 दिन में गायब हो जाऊँ ना तो तुम लोग बोलते हो ये कहाँ मर गया, RIP भाई कहाँ चले गया। और अगर गलती से 2 दिन भी लगातार वीडियो डाल दो, कहना अपलोडिंग वीडियो डेली, मीरा कॉल ठीक है ले लो मजे। मतलब वीडियो खत्म, मुझे ओवर एक्टिंग से ही करना होता है, बाकी यार ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, स्पाई को मत भूल जाना।